नमस्ते, सैमसंग एसी के साथ जो इरोड कोट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने नया सैमसंग एसी खरीदा है और अगर आपके पास ऑलरेडी सैमसंग एसी है तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करना। तो यहाँ पर अगर आपके एसी के साथ कोई भी इशू देखने को मिलता है तो यहाँ पर इरोर कोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरोर कोड के साथ आपको मालूम चल जाएगा आपके एसी के साथ कौन से यूनिट में इशू है, इंडोर यूनिट में इशू है, आउटडोर यूनिट में इशू है और कौन से सेंसर में इशू है, आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर इरोर कोड को जो है जरूर से नोट डाउन करना काफ़ी जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इरोर कोड के साथ आपको मालूम चलेगा कुछ कुछ इरोर कोड है जो कि आप खुद से जो है फिक्स कर सकते हैं, कुछ कुछ इरोर कोड है जो कि डेफिनेटली जो सर्विस सेंटर है यहाँ पर उसके बाद ही वो जो इशू है फिक्स हो सकता है, जब टेक्नीशियन विजिट करेगा उसके बाद ही उस इशू को फिक्स कर पाएगा। जैसे कि कुछ कुछ इरोर कोड का मतलब है जो फिल्टर है उसे रिप्लेस करना होगा, और यहाँ पर क्लीन मोड ऑन है और जो एसी जो है रिएस्टर हो रहा है और पावर के साथ कोई इशू है, तभी आप जो है खुद से ये सभी इशू को फिक्स कर सकते हो। एंड कुछ कुछ इरोर कोड के साथ जो है आपको जो टेक्नीशियन है विजिट करने के बाद ही वो जो इशू है उसे फिक्स कर सकता है। तो अगर आपके एसी के साथ कोई भी इशू है और अगर आपके एसी में कोई भी इरोर कोड शो कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसे नोट डाउन करना, बाद में जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो आपको उस इरोर कोड को जो है बताना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ज़्यादा जल्दी से फास्ट। एनीवे, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर इरोर कोड के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग एसी में काफ़ी हद तक कॉमन जो इरोर कोड है वो है CF। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फिल्टर है उसे क्लीन करना है, फिल्टर जो है यहाँ पर गंदा हो गया है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं फिल्टर इंडिकेटर। तो सिंपली अगर आपके सैमसंग एसी के साथ CF करके इरर कोड देखने को मिल रहा है, इसके मतलब है जो फिल्टर है वो जो है गंदा हो गया है, उसे रिप्लेस करना होगा और उसे क्लीन करना होगा। सिंपली यहाँ पर जो एसी है उसे ऑफ करो, उसके बाद जो इंडोर यूनिट है उसे ओपन करके फिल्टर को यहाँ पर बाहर निकल के उसे जो है यहाँ पर वाटर स्प्रे के साथ जो है यहाँ पर क्लीन करना होगा, उसके बाद ड्राई करके फिर से एसी में इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये जो इरर कोड का जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। इसे आप जो खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर CL करके इरर कोड देखने को मिलेगा, इसका मतलब है ऑटो क्लीन इंडिकेटर। तो बेसिकली अभी जितने भी नया सैमसंग कैसे है उसमें जो है ऑटो क्लीन मोड देखने को मिलेगा, इसमें जो इंडोर यूनिट के ऊपर जो कॉयल है उसमें जो डस्ट है उसे रिमूव करने के लिए ये जो ऑटो क्लीन मोड है अवेलेबल है। तो जब भी आप सैमसंग एसी के साथ जो रिमोट है उसमें अगर आप क्लीन मोड को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर CL करके एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इसका मतलब है जो इंडोर यूनिट में जो कॉयल है उसमें जो डस्ट है यहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको CL करके इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ऑटोमेटिकली खुद से ही जो है यहाँ पर बंद हो जाता है, जब भी जो इंडोर यूनिट है कम्प्लीटली क्लीन होगा ऑटोमेटिकली ये जो CL जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर DF करके इरर कोड देखने को मिलता है। तो ये जो इरर कोड है बेसिकली जब आप यहाँ पर हीटिंग मोड को यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफोस्ट फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई इशू नहीं है, एक यहाँ पर सिर्फ एक कोड है जिसके साथ आपको मालूम चलेगा यहाँ पर जो हीटिंग मोड है यहाँ पर काम कर रहा है। जब भी आप जो है सैमसंग एसी के साथ हीटिंग मोड को ऑन करोगे तो यहाँ पर DF मोड जो है और DF करके जो इरर कोड और जो DF करके शो करेगा एसी में, इसका मतलब है जो ऑटोमेटिक डिफोस्ट फंक्शन काम कर रहा है। जब भी आप हीट मोड को बंद कर दोगे, हीटिंग मोड को बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली ये जो DF का जो ऑप्शन है बंद हो जाएगा, DF जो दिख रहा है वो चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर E1 और 21 करके इरर कोड देखने को मिलता है, इसका मतलब है जो रूम टेम्परेचर सेंसर है उसमें कोई इशू है। इस केस में आपको सिंपली जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर कॉल करना होगा। E1 और 22 करके इरर कोड शो करते हैं, इसका मतलब है जो हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर है उसमें कोई इशू है, इसमें भी आपको सर्विस सेंटर में कॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा E1
और 54 करके ईरोड कोड शो करेगा। इसमें जो फैन मोटर है और जो कैपेसिटर है उसमें इशू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा E5 का जो मतलब है, जो इंडोर हीट एक्सचेंजर सेंसर है उसमें कोई इशू देखने को मिल रहा है, और जो इंडोर हीट एक्सचेंजर सेंसर है ओपन है, तो इसमें अगर आपको इशू देखने को मिलेगा तो जो हीट एक्सचेंजर सेंसर है उसे रिप्लेस करना होगा। प्लस E6 का मतलब है जो आउटडोर यूनिट है उसमें हीट सेंसर के साथ इशू है। E7 का मतलब है जो हीट टेम्परेचर सेंसर है उसमें कोई इशू देखने को मिल रहा है। अगर आपके सैमसंग AC के साथ C-ON और 20-ON करके ईरर कोड बार बार जो है पर शो कर रहा है, इसका मतलब है जो रूम टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ जो है इशू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर आपके सैमसंग AC के साथ C-ON और 22 करके ईरर कोड शो कर रहा है, इसका मतलब है जो हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ इशू है। इसके अलावा यहाँ पर C-1 और 54 करके अगर इशू है तो यहाँ पर जो इंडोर यूनिट का जो फैन है यहाँ पर रोटेट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। प्लस यहाँ पर C-1 और 63 करके अगर आपको एरर को शो कर रहा है, इसका मतलब है जो मेन बोर्ड है उसमें कोई इशू देखने को मिल रहा है, कोई डेटा जो है यहाँ पर डिलीट हो गया है और इनकरेक्ट है। इसके अलावा E-101 करके अगर एरर को शो कर रहा है, इसका मतलब है जो इंडोर यूनिट है उसके साथ कम्युनिकेशन में कोई एरर देखने को मिल रहा है। E-103 करके अगर इशू है तो यहाँ पर कंप्रेसर के साथ कम्युनिकेशन में कोई एरर देखने को मिल रहा है। एंड E-107 के साथ कोई इशू है तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ कोई एरर है। E-108 का मतलब है आउटडोर करंट सेंसर के साथ एरर है। E-109 का मतलब है आउटडोर हाई प्रेशर सेंसर के साथ कोई एरर है। E-110 का मतलब है आउटडोर लो प्रेशर सेंसर के साथ कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर E-112 का मतलब है कंप्रेसर करंट सेंसर के साथ कोई एरर है। इसके अलावा E-201 का मतलब है जो इंडोर यूनिट है एंड जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो कम्युनिकेशन के साथ कोई एरर देखने को मिल रहा है। E-114 का मतलब है कंप्रेसर लो प्रेशर सेंसर के साथ कोई एरर है। एंड इसके अलावा E-205 का मतलब है जो इंडोर यूनिट है एंड जो हाई प्रेशर सेंसर है उसमें जो है कम्युनिकेशन के साथ कोई एरर देखने को मिल रहा है। E-203 का मतलब है जो आउटडोर यूनिट है एंड जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ भी कम्युनिकेशन के साथ कोई एरर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा E-113 का मतलब है कंप्रेसर हाई प्रेशर सेंसर के साथ कोई एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सभी जो एरर कोड है इसे आपको जरूर से नोट डाउन करना होगा। एंड जब भी आपके इसके ऊपर कोई अगर एरर कोड शो कर रहा है उसे अगर आप नोट डाउन करके रहोगे, बाद में अगर आप जो है सर्विस सेंटर के साथ शेयर करोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया जो है जल्दी से जो इशू है यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। एनीवे, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।